आज आपके सामने बहुत सारी नई नई चीजें आएंगी जो आपने शायद कभी ध्यान ना दिया हो, पर आपको आज समझ में आ जाएगा। इरफान खान है ना, करेक्शन कराया IRRFAN। आप देख लेना, उसके कराते ही सडनली इनके विद इन अ ईयर और विद इन 6 मंथ्स इनकी डेथ हो गई थी कैंसर से। बहुत जल्दी इनको क्या मतलब कैंसर जैसे डिटेक्ट हुआ, फिर इनको मौका ही नहीं मिला ट्रीटमेंट का भी, कोई खास ट्रीटमेंट नहीं करा पाए। किरण खेर का नाम सुना है? उन्होंने भी RRR कराया था, उनको भी कैंसर हुआ। भगवान की कृपा से वो जीवित हैं, पर उनको भी कैंसर हुआ जैसे ही उन्होंने किरण खेर कराया। फिर तीसरा एक साउथ इंडियन एक्टर है बहुत फेमस, उन्होंने भी अपने नाम में RRR कराया था या TT कराया था, उनकी भी सडन हार्ट अटैक से डेथ हुई थी। मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बहुत फेमस एक्टर है, देख लेना, 40 ईयर्स में उनकी डेथ हो गई थी। ये नाम नोन है इसलिए इनके एग्जाम्पल दे रही हूँ, है तो ऐसे मेरे पे थाउजेंड्स ऑफ एग्जाम्पल्स, पर आप उनको जानते ही नहीं होंगे। पुनीत नाम है थांग का, जो साउथ इंडियन में बता रही हूँ। हाँ बिल्कुल, पुनीत बहुत ही बड़े, जैसे जैसे रजनीकांत फेमस है वैसे वहां पे ये जो एक्टर पुनीत थे, पुनीत राजकुमार, इनकी भी सडन हार्ट अटैक से डेथ हुई थी। इनके भी नाम में ऐसे ही एडिशन कर दिया था किसी ने, TT कर दिया था या RRR कर दिया था, पता है। बता रही हूँ, आपका एक भी अल्फाबेट ऐड करना, एक भी अल्फाबेट रिमूव करना किसी की भी जान ले सकता है ये, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और बताती हूँ, जिन भी लोगों के नाम में EE एक साथ आ रहा हो, EE एक साथ आ रहा हो, अभी किसी के नाम में दिखा भी था मुझे, कन्नड़ एक्टर थे वो, या हाँ लीनू जी के नाम में है EE, जैसे सीमा, लीना, लीनू, EE आ रहा है ना, मीनाक्षी, जिनके भी नाम में EE एक साथ आ गया, प्रवीण, दीपक, ये नसों से रिलेटेड सीवियर प्रॉब्लम देता है, नर्व से रिलेटेड। अब नर्व्स की बहुत सारी हेल्थ इश्यूज होती हैं, सर्वाइकल भी नर्व्स में ही आता है, स्पाइन की प्रॉब्लम होती है वो भी नर्व्स में आती है, जिनको क्या बोलते हैं, स्पाज्म आ गए मसल से, मसल के रिलेटेड कुछ ना कुछ नसों से रिलेटेड परेशानियां देता है। तो आपके नाम का हर अल्फाबेट का ये इम्पैक्ट होता है। अब जिनके भी नाम में EE आ रहा है वो हैंड रेस कर लीजिए, मैं एक दो लोगों से पूछ लेती हूँ। साधना जी हैं, साधना जी आपको अनम्यूट कर रही हूँ, साधना जी अनम्यूट करिए। हाँ यस मैम जी, बताइए। मेरी फ्रेंड है रितु, उसको ये नसों की प्रॉब्लम है, वेरिकोन वेंस की, ठीक है। वेरिकोन वेंस एक डिजीज है, ऐसी नसों की बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो कहने का मतलब है जिसके भी नाम में EE आ गया, कोई भी नसों की प्रॉब्लम उसकी लाइफ टाइम कोई ना कोई प्रॉब्लम बनी रहेगी नर्व से रिलेटेड। दीपिका, जैसे दीपिका बंसल जी हैं, उनके नाम में DEE आ रहा है ना, तो दीपिका जी आप अनम्यूट करो। यस मैम, मैम ये सारी प्रॉब्लम मुझे चल रही है, सारी प्रॉब्लम। तो आपने अभी नेम में से ई हटाया है मैम? वो मतलब अभी आता नहीं है, कुछ कुछ अपने आप से इनोवेशन चलती रहती है। हाँ पर देखो, नेम करे, नेम अगर चेंज कराए उसको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ता है, तब उसके बाद रिजल्ट्स आते हैं। तो अभी आपको नसों की प्रॉब्लम चल रही है, यानी कि आपका वही नाम वाइब्रेट हो रहा है अभी मैम, सोशल मीडिया पे चेंज नहीं हुआ। हाँ तो अभी आपने बस अधूरा काम करा है ना जी मैम। मैम अभी पढ़ने के बाद पूरा ज्ञान लेके। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। एक बार सबको अनम्यूट कर देती हूँ, जिनके भी नाम में आ रहा है या आपने किसी का देखा है तो आप लोग बता दीजिए रिलेट हो रहा है सबके में। हाँ जी, मेरी मम्मी को कैंसर है, सीमा जी आपके में EE आ रहा है, अनम्यूट करिए। सीमा उपल जी, यस मैम EE है और पूरी बॉडी में नसों की प्रॉब्लम बचपन से ही है, समझ लो आप यंग हुई हूँ जब से, और खत्म ही नहीं होती, लेग्स फोल्ड तक नहीं होती है, बस चेयर पे बैठ जाओ और उठ जाओ, नीचे जमीन पे नहीं बैठ सकती आलती बालती लगाकर, और बैक बोन में प्रॉब्लम, हर जगह प्रॉब्लम है ही है, नसों की प्रॉब्लम एवरीवेयर। तो आपने सबने कभी आपके माइंड में आया है सबके कि नाम ऐसी चीजें दे सकता है, जेन्युइनली बताओ आपने कभी सोचा है कि नाम से ही सब चीजें पता लग सकती हैं?
नहीं नाम बहुत पावरफुल चीज है। अब जैसे डबल ई बहुत खतरनाक है, डबल ई नाम में नहीं होना चाहिए। ऐसे ही देखो हेल्थ से बढ़ के कुछ नहीं होता, हेल्थ से बढ़कर कुछ है आपके पास? अगर आपको कोई बोले कि अब बदले में 100 करोड़ रुपए ले ले और बिस्तर पे पड़ा रहे, आईसीयू में पड़ा रहे, मंजूर है आप में से किसी को ऐसी चीज? ऐसे 100 करोड़ मंजूर है? नहीं। हेल्थ इज द अल्टीमेट वेल्थ। हेल्थ है तो बाकी सब है, बाकी सब बेकार है। तो जहां जो चीज हेल्थ कॉम्प्रोमाइज कर रही है मेरी नजर में, वो सबसे खराब वर्स्ट चीज है। तो जैसे डबल ई खराब होता है, ऐसे डबल आई बहुत खतरनाक होता है। अगर एक साथ आपने नाम में डबल आई कर दिया, ये ब्लड सर्कुलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम आपकी बॉडी में क्रिएट कर देगा। आपके नाम में दो आई से ज्यादा नहीं होने चाहिए, अलग अलग हो सकते हैं, एक साथ नहीं होने चाहिए। अब किसी नादानी ने, किसी ने नादानी में नेम न्यूमरोलॉजी करेक्शन करा और अपने नाम में तीन और चार आई लगा दिए, सोचो उसका क्या हाल होगा। ये नसों से रिलेटेड प्रॉब्लम भी देता है डबल आई, और ब्लड सर्कुलेशन को भी खराब कर देता है आपकी बॉडी में। और सोच के देखो ऐसा कौन सी डिजीज है जहां पे ब्लड सर्कुलेशन अगर खराब हो गया तो कौन सी बीमारी नहीं हो सकती उस इंसान को? सारी बीमारियां घूम फिर के तभी होती हैं जब आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होता है।